हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पराग बुटीक पर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक डिजाइन बनाना है हमें, जो कि हम डबल कलर पर बनाएंगे। गोल्डन कलर का यहाँ पर लाइनिंगें लगाएंगे, जो कि हम डोरी पलटाकर बनाएंगे, और इस जगह पर मैचिंग कपड़ा होगा जो कि ब्लाउज का होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये चौड़ा वाला कैनवास ले लिया। कैनवास की चौड़ाई है 13 इंच और लंबाई अनुमानित है। तो हमें ब्लाउज़ की जो गला चाहिए, गला तैयार चाहिए हमें 10 इंच का। तो देखिए इस प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ से लगाएंगे 10.25 पर निशान, जो कि हमारे गले की लंबाई का होगा। ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच के बाद में हम इस गले की सीधी रखील रख लेते हैं, यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गले को यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ये मिलाकर हम ऐसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रखते हैं हम, सबसे पहले हम इस गले का सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये सेंटर, ये आ गया हमारा सेंटर वाला निशान। लेकिन हमें क्या करना है, गले को इस तरफ से आगे ले जाना है ऐसे। तो हम ऐसे लाएंगे यहाँ तक, और इस निशान को इस जगह तक, यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो हमें गला सिर्फ काटना है, तो हम गला काटेंगे यहाँ से, और इतना टुकड़ा हम मैचिंग पर चिपका कर इसको बताते हैं कैसे बनाते हैं। तो कटिंग कर लेता हूँ पहले। इस टुकड़े को हम मैचिंग कपड़े पर लगाकर इस पर पट्टियाँ लगाएंगे और चलते हैं मशीन पर। देखिए ये जो निशान लगे हुए हैं, देखिए ये जो निशान लगे हैं, इसे हम इस तरह नीचे तरफ रख लेंगे और इसे सिलाई से चिपका देते हैं। यहाँ से बाहर से दबेगा हमारा, तो हमें कपड़ा बाहर तक रखना है। तो देखिए ये मैं इस तरफ से लगा रहा हूँ सिलाई, पहले हम कपड़ा तैयार कर लेंगे ये वाला। ये देखिए इस प्रकार से ये पट्टी पूरी निकल कर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से मैंने और भी पट्टियाँ निकाल कर तैयार कर ली है। ये एक पट्टी आपको दिखाने के लिए ही मैंने बाद में पलटाई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इस पर हमें लगाना है पट्टियाँ। तो पट्टियाँ किस प्रकार से लगाएंगे, एक सेंटर से हम यहाँ तक निशान लाएंगे, ये देखिए। दूसरा निशान हम सेंटर से ही इस तरफ लाएंगे, थोड़ा तिरछा कर, ये देखिए इस तरह से। अब इन निशानों को कंप्लीट एक जैसा लगभग आधे से 1.25 इंच के करीब निशान लगा लीजिए, जैसे कि ये टेप है, टेप के हिसाब से ऐसा रख लीजिए और ये निशान लगा लीजिए, ये देखिए। इसी प्रकार से इस तरफ भी टेप लगाइए और ये हमारे निशान तैयार, ये देखिए। इस प्रकार से हमें सारी पट्टियाँ लगाना है, और पट्टी लगाने के बाद देखिए किस प्रकार से सुंदर गला बनेगा। अब इस पर पट्टी लगाने से पहले हम इस गले को भी तैयार कर लेते हैं। इस गले को चिपकाएंगे हम कपड़े पर, ये देखिए ऐसे रख लीजिए। बंद कर देना, ये देख लीजिए ऐसे रख लीजिए, और एक पिन यहाँ पर लगा दी हमने,
ये देखिए, इसी प्रकार से हम गले को पिन से पहले पिन अप कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना हटे। अब इस पर लगाते हैं हम सिलाई किनार से बिल्कुल। गले को एक हेम्बर अंदर से काट लीजिए। इसी प्रकार से जहां पर कोने तक कटिंग कर लीजिए इस तरफ छटके। ये अब गला ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, इसे पलटा लेते हैं। प्रेस पर जाने से बार बार समय वेस्ट होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट गले बनाना आपको हमेशा सिखाता हूँ कि डायरेक्ट किस प्रकार से बना सकते हैं गले आप और अपने समय को बचा सकते हैं। देखिए पूरा गला बनकर तैयार हो गया है कंप्लीट। अब हम लगाते हैं इस टुकड़े पर पट्टियाँ गोल्डन वाली, तो किस प्रकार से लगाएंगे ये देखिए। पट्टियाँ ऐसी लगाना है हमें इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले इसे यहाँ से काट लीजिए और डायरेक्ट पट्टियाँ इस प्रकार से पलटा लीजिए हमेशा। बड़ी ही आसानी से पलट जाती है पट्टियाँ। अब एक इस तरफ अब देखिए, अब जो हमें पट्टियाँ लगानी है वो इस तरफ से तिरछी तिरछी और इधर भी, तो हम पहले यहाँ लगाते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल लगकर हमारी पूरी पट्टियाँ तैयार हो गई है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पाइपिंग। ये देखिए पाइपिंग पूरी बनकर तैयार। देखिए अब इसे हम यहाँ रखेंगे
और इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे डायरेक्ट। जहाँ से हमने कैनवास रखा हुआ है वहीं से हमें सिलाई लगाना है। अब इस तरफ लगा दीजिए सिलाई। अब देखिए गला बिल्कुल हमारा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें लगाना है हमको दोनों तरफ से पट्टियाँ। अब देखिए ये जो हमने पट्टियाँ बनाकर रखी थी उन पट्टियों को इस गले पर लगाते हैं। अब इस तरफ से हमें एक हेम्बर छोड़कर कमर पट्टी के लिए हम जगह छोड़ देंगे और इस बॉर्डर को हम ऐसे लाएंगे इस तरफ से घुमाकर। तो पहले हम इस बॉर्डर को लगाएंगे गले तरफ से।
यदि ये डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो आप भी ज़रूर बनाइएगा घर पर। और इस डिज़ाइन में अभी यहाँ पर डोरी लगना बची हुई है, तो डोरी लगाने के बाद आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से लग रही है। ये देखिए डोरी यहाँ पर हम लगा देंगे। जितनी दूरी पर हमने यहाँ लगाई चार बोर्ड पर, हम यहाँ पर भी इसी तरह चार उंगल पर लगा देंगे डोरी।